जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बहन चौहान। आज हम बनाएंगे राजमा। तो राजमा के लिए हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट, करी पत्ता, हरी मिर्च और ये टमाटर को पीस के रखा हुआ है। और ये है हमारे राजमा, इसको मैंने नमक हल्दी डालकर उबाल लिया है। अब इसमें लगाएंगे हम मसालेदार तड़का। तो ये हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया। सबसे पहले इसमें डालेंगे ज़ीरा और फिर डालेंगे लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें पकने देना है, लहसुन को थोड़ा सा पकने दें हमेशा, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा और हमारा टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। फिर इसमें डालेंगे हम ये लाल मिर्च, ठीक है, और फिर डालेंगे इसमें जो हमने टमाटर की पेस्ट बनाई है वो, ठीक है। और उसके बाद सभी मसाले जो आप नमक हल्दी मैंने उबालने में डाली है इसलिए नहीं डालनी है, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर इसे 5 से 10 मिनट हमें पकाना है। तो ये हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए तेल छूटने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे राजमा। ये हमारे राजमा इसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इसको आपको इसी तरह से कम 10 से 15 मिनट तक पकने देना है कम आँच पर, ताकि जो हमारा पानी है और मसाला है वो एक साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। ओके, तो मेरे राजमा चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। ये देखिए, ये राजमा की बिल्कुल थिकनेस बहुत अच्छी आ गई है, ठीक है, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये खुशबू से ना मुझे भूख लग रही है, तो मैं खाने जा रही हूँ। आप भी इस तरह से राजमा बनाएं, खाएं और खिलाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।